दोस्तों वीलुकअप के आपने एग्जाम्पल्स यूट्यूब पे काफी सर्च किए होंगे और हमने भी यहाँ पे वीलुकअप के कुछ एग्जाम्पल्स हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो जो कि हमने समझाए हुए हैं। लेकिन वो तो कुछ कंडीशन है, वहां पर हमने कुछ बता रखी है कि यहाँ पर इस प्रकार से यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस वीडियोस के अंदर हम कुछ डिफरेंट टाइप से यहाँ पर जो है हम यहाँ पर वीलुकअप को सीखेंगे, यानी कि एक स्मार्ट वे होता है वहां पर हम यहाँ पे वीलुकअप को सीखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे आपके यहाँ पर आपको प्रेजेंट करेंगे 7 एग्जांपल्स जिसके अंदर पूरा वीलुकअप अच्छी तरह से हम यहाँ पे सीख पाएंगे, यानी कि एक एक नॉर्मल वीलुकअप कैसा लगता है और एक एडवांस वीलुकअप कैसा लगता है, और उस एडवांस से भी एक एडवांस वीलुकअप लगाना हो तो वह किस प्रकार से यूज होता है। ये सीखने के बाद में दोस्तों आप है जो एक ऑफिस में भी स्मार्ट बन जाओगे, और यदि कहीं पे भी इंटरव्यू है, आप यदि इंटरव्यू में प्रेजेंट हो रहे हो तब भी आप यहाँ पे वीलुकअप में रुक नहीं पाओगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए वीलुकअप फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वीलुकअप होता है, वो किस प्रकार से यूज किया जाता है। वैसे हम वीलुकअप को बोलते हैं वर्टिकल लुकअप, यानी कि जो ये लुकअप वैल्यू देता है वो हमें वर्टिकल देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देता है यहाँ पर लुकअप वैल्यू, यानी कि किस वैल्यू को आपको लुकअप करना है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपको टेबल एरे बतानी है कि टेबल एरे यानी कि डेटा आपको कहाँ से लेना है, और उसी के साथ में फिर हम बताएंगे कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपको जो टेबल एरे है उसमें से कौन सा कॉलम आपको यहाँ पर चूज करना है। और उसके बाद में हमारा लास्ट आता है रेंज लुकअप, जो कि आपको बताएगा कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है, यानी कि ट्रू और या फॉल्स। तो ये दोस्तों ये चीज हम वहां पर हम एग्जाम्पल्स में सीखेंगे कि हमें किस रास्ते पे चलना है, ट्रू या फॉल्स, और किस प्रकार से यहाँ पे यूज होता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल्स रखे हैं वो लुकअप के अंदर, जो आप 7 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिए हैं उसके अंदर आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि यहाँ पे डबल वी लुकअप किस प्रकार से यूज किया जाता है और एक नेस्टेड वी लुकअप किस प्रकार से हम यहाँ पे यूज करेंगे। साथ ही साथ वी लुकअप के साथ में अगर फंक्शंस यूज करें तो वो किस प्रकार से वी लुकअप यूज करेगा, ठीक है, और हमें किस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू देगा। और लास्ट में यहाँ पे वी लुकअप विद एफ एरर के साथ में किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लर्न एक्सेल की तरफ से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारा जो एम है वो ये रहेगा कि आपको अधिक से अधिक लर्निंग करवाई जाए और आप इन द 2020 के अंदर आप अपना जो सपना है वो सक्सेस में बदल के दिखाए दोस्तों। तो यही शुभकामनाएं हमारे है लर्न एक्सेल की तरफ से आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। एंड यहाँ पर हम एक मोटिवेशनल क्विट्स रखे हैं चलने हमारी तरफ से, तो वो है अगर तुम सचमुच कुछ करना चाहते हो तो तुम एक तरीका खोज निकालोगे, अगर नहीं तो तुम एक बहाना ढूंढ निकालोगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक तरीका खोज निकालना है न कि एक बहाना, ताकि हमें जो हमारी सक्सेस है उसको हम जल्दी से गेटअप कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमारे चैनल पे अब आए गए हो तो दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ठीक है, और उसके जो पास में बेल आइकन है उस पे भी यहाँ पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो यहां पर हम चलते हैं अब यहां पर अपने डेटा की ओर, ठीक है। तो यहां पर हमने जो सबसे पहले एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे उनकी क्वार्टरली यहाँ पे हमने सेल अमाउंट यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने बता दें आपको, सबसे पहले यहाँ पर हमने बस प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिखेंगे और यहाँ पर हमें भी लुकअप यहाँ पे लुकअप वैल्यू लगानी होगी। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम बार बार मैनुअल टाइप करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। यदि आपको लिस्ट क्रिएट करना नहीं आता है तो हमारा डेटा वैलिडेशन का वीडियो बना हुआ है, वहां से आप इसको देख सकते हैं, और यदि नहीं आता है तो यहाँ पे आप सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद में यहाँ पर हम जाएंगे लिस्ट के अंदर, और लिस्ट में यहाँ पे जो सोर्स है वो हम रेंज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे हमारे पास में यहाँ पर जो लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में लिस्ट क्रिएट हो गई है, तो यहाँ पे हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वीलुकअप। तो यहाँ पे दोस्तों वीलुकअप की जो डेफिनेशन है वो समझाने की मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को। जो वीलुकअप है यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर लुक्स फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल, यानी कि जो वीलुकअप है वो आपके लेफ्ट की जो लुकअप वैल्यू है उसको एक टेबल के कॉलम में फाउंड करेगा,
एंड रिटर्न ए वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम ए कॉलम यू स्पेसिफाइड, यानी कि फिर आपको ये एक रिटर्न वैल्यू में देगा जो आप यहाँ पे स्पेसिफाइड करोगे, या जो कॉलम नंबर है वो स्पेसिफाइड करोगे। ठीक है, यहां तक हम यहाँ पे इसको समझते हैं। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू वैल्यू लगाया यहाँ पे, सबसे पहले इसमें बता रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि हमें लुकअप वैल्यू कौन सी लेनी है इसको। ठीक है, यहाँ पे हमें कीबोर्ड वैल्यू लुकअप करना है, और उसके बाद में पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब यहाँ पर हमें आ गया कि कहाँ से आपको ये डेटा सर्च करना है। तो हम यहाँ पर इस पूरे टेबल को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। उसके बाद में फिर आएगा कॉमा, फिर हम यहाँ पे देगा कि कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि कौन से कॉलम में आपका डेटा यहाँ पर है। तो हमें सेल ऑफ क्वार्टर वन की चाहिए, तो यहाँ पर सेकंड कॉलम हो गया। जहां से हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं वहां से हम इसको काउंट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे सेकंड पे है सेल ऑफ क्वार्टर वन, तो यहाँ पर हमने 2 यहाँ पर ले लिया था कि सेकंड पे है यहाँ पर। उसके बाद में कॉमा और एग्जिट में इसके लिए फिलहाल मैं यहाँ पे 0 प्रेस करूंगा। ठीक है, और इसको एंटर करेंगे तो आपके पास में जो क्वार्टर ऑफ सेल कीबोर्ड की है वो यहाँ पर आपके शो हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से हम यहाँ पे देखते हैं वी लुकअप को, यहाँ पे वही लुकअप वैल्यू यहाँ लगेगी, और उसके बाद में टेबल एरे से हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे डेटा को, और उसके बाद में यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 3 आएगा। ठीक है, और उसके बाद में 0, तो यहाँ पर हमारे पास में जो सेलो क्वार्टर सेकंड है वो यहाँ पर प्रेस हो गई है। और इसी प्रकार से यहाँ पे थर्ड की लाएंगे, वी लुकअप करेंगे और यहाँ पर लुकअप वैल्यू लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में कोमा और वही यहाँ पर टेबल एरे। ठीक है, और उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे आपकी बार हो जाएगा 3। ठीक है, और उसके बाद में 0, तो यहाँ पर ये सेल आ गई है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 4th होगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर हम वी लुकअप लगाएंगे और वही लुकअप वैल्यू हमारी रहेगी। ठीक है, और जो टेबल एरे है वही रहेगा हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी बार कौन से कॉलम में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और यहाँ पे 5वें कॉलम में हमारे यहाँ पर पास वैल्यू है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप अब यहाँ पे कुछ चेंज करोगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पर पुश हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये तो कुछ डिफरेंट है यहाँ पर, तो हमने क्या किया, बार बार वैल्यू कब लगाया, तो कुछ इस प्रकार से लगाएंगे कि यहाँ पे हर बार यहाँ पे वैल्यू कब लगाएंगे तो हमें यहाँ पर डेटा ही वैल्यू कब में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे खराब हो जाएगी। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम सपोज करो कि सीपीयू ले लेंगे, यहाँ पर भी हम लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, वही डेटा वैलिडेशन में जाके और यहाँ पर वही लिस्ट क्रिएट करेंगे, सोर्स हम दे देंगे लिस्ट में यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमारे पास में लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, और उसके बाद में टेबल एरे। ठीक है, और यहाँ पर कॉमा, अब यहाँ पे आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में सब यहाँ पे 2 फिर करके आप 0 प्रेस करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। तो हम यहाँ पे बार बार में 2, 3, 4, 5 तो इस प्रकार से यूज करेंगे तो हम यहाँ पे लॉन्ग वेस्ट टाइम हो जाएगा। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको अगर मैं यहाँ पे अगर 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 अगर लिख दूं तो यहाँ पर मेरे लिए कुछ आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी लुकअप वैल्यू हो जाएगी और ये मेरा कुछ टेबल एरे हो जाएगा, और जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कोमा और फिर यहाँ पे 0 मैच कर लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों यदि मैं इसको नीचे करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल एरर यहाँ पे हमें शो कर देगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो अगर फॉर्मूला आपको दिख रहा है तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे K1 आ रखा है। ठीक है, यहाँ पर A1 से लेके E7 है और यहाँ पर हमने I2 सेलेक्ट करा है, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे K2 यानी कि जो सर्च कर रहा है वो इसको सर्च कर रहा है लुकअप वैल्यू, तो यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी लुकअप और यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है इसको हम कर देंगे फिक्स। यहाँ पे फिक्स करेंगे तो यहाँ पे जो F4 है वो उससे यहाँ पे फिक्स करते हैं, और यदि आप लैपटॉप में कर रहे हो और F4 प्रेस कर रहे हो नहीं हो पा रहे हैं, तो दोस्तों जो विंडो की होती है उसके पास में एक FN की आती है, उसको प्रेस करके आप F4 यहाँ पे प्रेस करो। मैं भी अभी फिलहाल यही कर रहा हूँ, तो वहां पर हम F4 से इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे कॉमा, और हमारे पास में आती है टेबल एरे।
हम क्या करेंगे यहाँ पे पूरी टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे, वही F4 से इसको भी लॉक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम इसको प्रेस कर देंगे और कोमा करके 0 प्रेस कर देंगे, तो हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी। और यदि आप इसको अब कॉपी पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी, क्योंकि पहले यहाँ पर हमें 2 ले रहा था, फिर 3, 4, 5 और फिर 6, इस प्रकार से यहाँ पे लुकअप वैल्यू ले ली और यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसको रेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज है दोस्तों, यदि सपोज करो कि मेरे पास में अगर मैं यहाँ पर इन नंबर्स को हटा दूं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में एरर आ जाएगी इस प्रकार से। तो मैं अगर ये नंबर लिखना नहीं चाहता तो मैं क्या करूंगा, मैं व्यू लुकअप प्रेस करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर इसको करूंगा F4 से लॉक, और उसके बाद में टेबल एरे, ठीक है, और यहाँ पे टेबल एरे को मैं कर दूंगा लॉक, और उसके बाद में मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे रो फॉर्मूला, ठीक है, तो रो फॉर्मूला प्रेस करके यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा, और उससे यहाँ पर आपके पास में जो है इस प्रकार से, यहाँ पर अब आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, और इसको आप यदि कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक वैल्यूज दे देगा। तो दोस्तों रो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर यदि मैं रो बताऊं आपको, तो यहाँ पर अगर जैसे मैं रो प्रेस करूंगा तो आपको रो नंबर दे देगा ये, यानी कि ये जो रो नंबर है वो 12 है यहाँ पर, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंने रो नंबर लगाया है वो यहाँ पर लगाया है कि यहाँ पर सेकंड नंबर की रो, तो ठीक है, यहाँ सेकंड नंबर की रो हो गया मेरे पास में, और यहाँ पर फिर थर्ड नंबर की रो हो गई, फोर्थ नंबर की रो हो गई। तो यदि हमें फिक्स वैल्यू रो के अकॉर्डिंग देनी होती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रो फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार वापस बता दें आपको, यदि मैं सीपीयू या फिर मैं आपको लेता हूँ फ्रिज ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हम वही वी लुकअप यूज करेंगे, लुकअप वैल्यू इसको करेंगे F4 से लॉक, ठीक है, और टेबल एरे हमारी टेबल एरे ये रहेगी, इसको कर देंगे हम F4 से लॉक, ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पे वही कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा हमारा 2, या फिर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे 2 टाइप करूंगा, यहाँ पे 1, 3, 4, 5, तो यदि इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू दे देगा इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से वैल्यूज हमारे पास में फ्रिज की आ जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा होता है एक नॉर्मल वी लुकअप, जो आपको इस एग्जांपल्स के थ्रू हमने बताया है कि जो वी लुकअप की डेफिनेशन से वो यहाँ पर इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आपको बताया होगा कि लुक्स फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ टेबल, यानी कि एक टेबल के जो अंदर हमने यहाँ पे सर्चिंग वैल्यू डाली है, एंड देन रिटर्न ए वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम ए कॉलम, यानी कि जो आपको वही रिटर्न वैल्यू देगा जो आपने इस टेबल के अंदर जो कॉलम लिखा है वो रिटर्न आपको यहाँ पे देगा, ठीक है, जिसे यू स्पेसिफाई। बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी शॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो टेबल है वो एक वर्टिकली आपको यूज कर सकते हो यहाँ पर, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास टेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ पे वी लुकअप को एक बेसिक अगर तरीके से हम बता दें यहाँ पर, तो ये एक वी लुकअप हमारे लिए यूज होता है। तो आई होप ये पहला एग्जाम्पल है वो आपको समझ में आया होगा कि वी लुकअप किस प्रकार से यूज किया जाता है सबसे पहले, तो ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सीट में जो लिंक है ये इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, डोंट वेरी। अब यहाँ पे चलते हैं सेकंड एग्जांपल्स, यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज आईडी है, उनके नेम है, उनके टीम लीडर्स के नाम है, और जो एम्प्लॉय है उनको यहाँ पे कुछ टीम लीडर्स ने यहाँ पे रैंक दे रखी है। तो यहाँ पर जो उनकी परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पे हम इस यहाँ पे रैंक दे रखा है और यहाँ पे रेटिंग हमने दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको सीखेंगे कि यहाँ पर हमने जो वीलुकअप है वो इस प्रकार से यहाँ पे किस प्रकार से यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट सीखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वीलुकअप का। तो यहाँ पे जो हमारी वीलुकअप रहेगी वो रहेगी हमारी रैंक, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लॉक कर सकते हैं जो कि डी ऑप्शन को, ठीक है, यानी कि जो कॉलम है डी वो लॉक रहेगा और जो कि रो है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है, इस प्रकार से।
उसके बाद में आता है टेबल एरे, यानी कि टेबल हमारी कौन सी होगी, इस टेबल से हमें डेटा लेना है और इसको कर देंगे हम कंट्रोल F4 से लॉक, ठीक है, इसके बारे में कुछ भी डेटा नहीं लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर होगा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारे पास टेबल ये है और इसमें से जो दूसरा कॉलम है उसी की तो हम यहाँ पे वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 प्रेस और कोमा करके 0। नहीं दोस्तों, यहाँ पर ही तो गलती करते हो आप, यहाँ पे जो फॉल्स है वो है एग्जिट मैच और हमें एग्जिट मैच नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रू यानी अप्रोक्सीमेशन, एक बार आपको वापस बता दूं मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे जो रैंक है 2, यानी कि जो 0 से लेकर 5 तक है वो उसके रैंक का है, यहाँ पर जो रैंक अगर दे रखी हो तो उसका है एक्सीलेंट, और यदि 5 और 5 से अबो हो तो गुड आए, और 10 या 10 से अबो हो तो एवरेज, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर जो है इसको करेंगे F4 से D को लॉक, और उसके बाद में टेबल एरे को कर देंगे हम यहाँ पर फिर लॉक्स, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा 2 और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे 1, यानी कि अप्रोक्सीमेशन मैच करना है हमें, न कि एग्जिट मैच करना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से ही तो वैल्यू देगा हमें दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अगर रैंक 2 है तो आप एक्सीलेंट हो, परफॉर्मेंस आपकी एक्सीलेंट है, और इसके साथ में यहाँ पर आपको बता देगा कि यदि रैंक है तो एक्सीलेंट, 3 है एक्सीलेंट, ठीक है। तो यदि 17 है तो थोड़ा लिटिल बिट कर रहे थे दोस्तों, 11 है फिलहाल ठीक है एवरेज आपका फिलहाल यहाँ परफॉर्मेंस, यदि 6 है तो गुड, 4 है तो एक्सीलेंट, और 9 है तो गुड। तो यहाँ पे यदि आप चेंज भी करोगे, जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पर 7 कर देता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा गुड, यहाँ पे मैं अगर 10 कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा एवरेज। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप रेटिंग का जो है अप्रोक्सीमेशन का भी यहाँ पे आप कर सकते हो। दोस्तों अभी तक आपने कहीं भी लुकअप में नहीं सीखा होगा कि यहाँ पे जो ट्रू और फॉल्स होते हैं वो किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। जो ट्रू है वो आपको अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू यहाँ पर आपको देता है, यानी कि जो आसपास की वैल्यूज हमें लेनी होती है तो हम यहाँ पे ट्रू का यूज करते हैं, जो कि एक नंबर से हम ट्रू या फॉल्स होता है। और यदि हमें एग्जिट इमेज लेना है कि हमें बस जिस प्रकार से 5 है तो 5 ही की वैल्यू लेनी है, तो इसे हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आज तक डिफरेंस पता नहीं होगा आपको ट्रू और फॉल्स का डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ट्रू और फॉल्स का डिफरेंस क्या होता है, कि कहाँ पे हमें यूज होता है ट्रू का और कहाँ पे होता है फॉल्स का यूज, ठीक है। तो यानी एग्जिट मैच और अप्रोक्सीमेशन का यहाँ पे यूज किस प्रकार से होता है। साथ ही इस एग्जाम्पल के साथ में मैं एच लुकअप भी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एच लुकअप वो किस प्रकार से यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो VLOOKUP है उसके अंदर हम बताएंगे आपको, जैसे यहाँ पर हमने जो VLOOKUP का डेटा है हमारे पास में वो यहाँ पर हमारे पास में रखा हुआ है, ठीक है, वही रैंक यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पे उनकी रेटिंग हमने दे रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे HLOOKUP, ठीक है, और HLOOKUP के अंदर वही आगे हमारे यहाँ पे होगी लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी होगी यहाँ पर, ठीक है, जो रैंक हमने दे रखी है। और इसके बाद में हम करेंगे कोमा, फिर हमारे पास में आता है टेबल एरे। तो दोस्तों दो चीज हमारे यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पर टेबल एरे में, या तो हम इस टेबल का जो नाम है वो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं HLOOKUP, ठीक है, यहाँ हमने HLOOKUP है जो इसका नाम लिख दिया है, तो हमें बार बार इसको सेलेक्ट करने का नहीं करना पड़ेगा बार बार में। हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधे ही HLOOKUP करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में लुकअप वैल्यू हो जाएगी, वो जो टेबल एरे है उसके अंदर हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू दे देंगे, ठीक है, जो लुकअप वैल्यू है वो यहाँ पे दे देंगे। फिर यहाँ पे जो हमारे रो नंबर है वो सेकंड रो है, यहाँ पर आपको देख रहे डेटा, तो यहाँ पे सेकंड रो ले लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम कर देंगे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू के लिए 1, ठीक है, और इस प्रकार से हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास में वही रिजल्ट आएगा जो हमने VLOOKUP से निकाला था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, HLOOKUP का भी यूज कर सकते हैं यदि हमारे पास में जो डेटा है वो हॉरिजेंटल में रखा हुआ है। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि दोस्तों सर हमने जो पहले एग्जांपल्स लिए थे उसके अंदर भी हम यहाँ पर 1 कर दे अप्रोक्सीमेशन में तो हमारे पास में क्या रिजल्ट होता, तो दोस्तों हम यहाँ पे बता दें आपको इस चीज के लिए, यदि मैं पहले एग्जाम्पल में वापस जाऊँ और यहाँ पर आपको मैं बताऊं, यदि इस फॉर्मूले के अंदर में यदि इस रो नंबर को उठा के और यहाँ पर जो 0 है इसको हम यहाँ पे अगर 1 लिखे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या एरर होएगी, तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि जो
वन है वो अप्रोक्सीमेशन की यहाँ पर वैल्यू लेगा इस प्रकार से। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जैसे सपोज करो यहाँ पर हम जो वेलुकअप है वो यूज करेंगे और जो लुकअप वैल्यू है वो फ्रीज हो गई हमारी, ठीक है, इसको हम कर देंगे F4 से लॉक। और उसके बाद में हम यहाँ पर जब वापस ले लेंगे टेबल एरे, ठीक है, इसको कर देंगे लॉक और कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड। और यदि मैं यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू लेता हूँ तो मुझे ये क्या करेगा, कुछ अलग ही वैल्यू लाके यहाँ पर देगा, कि यानी कि जो अप्रोक्सीमेशन की यहाँ पर वैल्यू मेरे को दे रहा है, ठीक है। फिर दूसरे में जाऊंगा तो यहाँ पर सेम वैल्यू मेरे को यहाँ पर पुट करता रहेगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि हमें वैल्यू एग्जिट मैच के लिए यहाँ पे हम जीरो यूज करते हैं और अप्रोक्सीमेशन के लिए यहाँ पर वन यूज करते हैं, ठीक है। आप इन दोनों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एग्जिट मैच के लिए आपको एग्जाम्पल और बता दूं मैं, यहाँ पर जो वैल्यू कब यूज करेंगे वो लुकअप वैल्यू हमारी ये हो जाएगी और हमारी जो टेबल एरे है वो इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाए, कर लेंगे हम इसको, ठीक है, इसको भी लॉक कर देंगे और यहाँ पर इसको रहने दो फिलहाल, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे जो सेकंड रहेगा और उसके बाद में जीरो से हम यहाँ पे करेंगे एग्जिट मैच, तो हमारे पास में यहाँ पर जो लिस्ट है वो इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो भी डेटा है वो यहाँ पर एग्जिट मैच से इस प्रकार आ गया। और यदि हमें इस प्रकार से डेटा लेना होता है जो कि अप्रोक्सीमेशन के लिए होता है, जैसे ग्रेड वगैरह हो स्कूल की, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इनको अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज करते हैं। आई होप आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा, जिसमें आप हमने ट्रू और फॉल्स का जो फंडा है वही यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे VLOOKUP प्लस HLOOKUP दोनों के साथ में एग्जाम्पल्स देखा है। दोस्तों थोड़ा लंबा होने वाला है वीडियो, तो डोंट वेरी, आप लोग देख ले सकते हैं, ठीक है, उसको वीडियो को पॉज करके बाद में देख लेके वापिस आ सकते हैं। हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या है, मेरे पास में कुछ प्रोडक्ट्स है उसके EMI नंबर, यहाँ पे सपोज को मेरे पास मोबाइल्स है तो यहाँ पे उसके EMI नंबर हो गए और उनके यहाँ पे मेरे पास में प्रोडक्ट नंबर आ गए और उनकी कुछ मैन्युफैक्चरिंग डेट्स है वो यहाँ पर इस प्रकार से दे रखी है और यदि उनको कब सोल्ड करा गया था, यहाँ पे उनको सोल्ड किया हुआ था और जो वारंटी डेट है वो उनकी ये है और उनका स्टेटस कौन सा है वो यहाँ पर इस प्रकार से शो करेगा कि कौन सी एक्सपायर हो गई, कौन सी अभी यूटिलाइजेशन वारंटी है अभी तक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ई डेट का फॉर्मूला लगा हुआ है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। और वैसे जो ये सीट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, और वहां पे भी आप उसके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो टेबल एरे है उसके लिए हम यहाँ पे पूरे इसका नाम दे देते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं लिस्ट 1, ठीक है। और एक बार हम यहां से जो प्रोडक्ट नंबर है वहां से हम दे देते हैं इसका नाम लिस्ट 2, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे दोनों लिस्टों के नाम दे दिए हैं। अब यदि मैं यहाँ पर VLOOKUP पेस्ट करूंगा, ठीक है, VLOOKUP मेरी लुकअप वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिस्ट 1, ठीक है, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू टेबल एरे ऑटोमेटिक ले लेगा और मुझे जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पर ये देना है मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रो फंक्शंस का यूज करूंगा। अब रो फंक्शन यहाँ पे सेकंड नंबर की रो है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, और कोमा और जीरो प्रेस करूंगा तो मेरे पास में यहाँ पर इसकी फंक्शंस आ जाएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट मेरे पास आ गई है। और यदि मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं यदि इसकी दूसरी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पर इसकी ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज आ जाएगी, ठीक है। और यदि मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ एक बार, तो आप देखोगे यहाँ पर सब डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक सब चेंज हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारा EMI नंबर से। यदि मैं प्रोडक्ट नंबर से भी यहाँ पे सर्च करूं तो यहाँ पे किस प्रकार से फंक्शन इसका यूज होगा, तो यदि सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ नंबर गलत टाइप कर देता हूँ तो आपको ये बताएगा नॉट एप्लीकेबल, इसी के लिए तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है हमारा उसमें यहाँ पर हम इफ एरर का यूज करेंगे, इफ एरर, ठीक है, तो यहाँ पर इफ एरर का हम यहाँ पे यूज करेंगे और उसके बाद में यहां पर हम लिख देंगे जो हमें यदि रॉन्ग इनपुट आता है तो यहां पे लिख देंगे रॉन्ग, इनवर्टेड कोमा के अंदर क्लोज बंद करेंगे और यहां पे लिखेंगे रॉन्ग
इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो फंक्शन है यदि हम इनकरेक्टली कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रॉन्ग इनपुट देगा, और यदि आप सही से कर देते हो ठीक है तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू दे देगा इस प्रकार से, ठीक है, यहां से प्रकार से वैल्यू दे देगा। अब यहां पर जो हमने वीलुकअप देखा है वो आया है ईएमआई नंबर से, ऑलरेडी प्रोडक्ट नंबर डालेंगे आप तो यहां पर आपको बताएगा कि यहां पर जो वैल्यू है वो रॉन्ग इनपुट हो गई है। तो हम यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर अब जो फॉर्मूला है इसका, इसको हम यहां पे करेंगे, आपको जो एरर आती है तो आप इफ एरर यूज करते हैं हम यहाँ पर, वैल्यू और वैल्यू इफ एरर, यानी कि जो इफ एरर का फॉर्मूला है वो आपको बोलेगा अगर वैल्यू ये है तो आप नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि जो इसको दूसरी वैल्यू है वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक दूसरा वैल्यू का और यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है वो हम यही लेंगे, ठीक है, इसको एफ फोर कर देंगे, और उसके बाद में जो हमारा लिस्ट नंबर है टेबल है वो लिस्ट फोर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लिस्ट यहाँ पे टू हो जाएगी सॉरी, तो यहाँ पे लिस्ट टू यूज कर लेंगे, ठीक है। अब लिस्ट टू के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो रो इंडेक्स रो नंबर है वो यहाँ पर हमारा टू रहेगा, तो हमारे यहाँ पे टू नंबर भी हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे प्रेस करेंगे जीरो और ब्रेकेट क्लोज एंड देन एंटर, तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो यानी आप ईएमआई नंबर पुट कर सकते हो या फिर आप प्रोडक्ट नंबर सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पर उससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ दोनों को यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि दोस्तों हमने कुछ यहाँ पर एरर टाइप कर दी तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर हमने अभी बताया मैंने एक्सेल में जो फॉर्मूला है वहां पर हम इफ एरर का यूज करेंगे, इफ एरर आपको देता है एक और चांस, ठीक है, इफ एरर यूज करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पर कोमा, और यदि हम गलत वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में रॉन्ग इनपुट, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर इफ रॉन्ग इनपुट आ जाएगा हमारे पास में। तो दोस्तों अब यहाँ पर सबसे चीज ये है कि किसी कंपनी के पास में क्या होता है कि ईएमआई नंबर होता है, तो अपने हमारे पास ईएमआई नंबर होता है, यदि उनके पास प्रोडक्ट नंबर होता है तो प्रोडक्ट नंबर से इसको सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, सोल्ड ऑन है, जो वारंटी डेट है, उसके स्टेटस यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि आप प्रोडक्ट नंबर या फिर ईएमआई नंबर से सर्च कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से आपको स्टेटस शो करेगा। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर थ्री भी समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिया था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि हमारा जो इस वीडियो का होगा फोर्थ एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में दो टेबल्स है दोस्तों, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय नेम उनका डिजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे यहाँ पर दो शीट्स है यहाँ पर, और मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से उसका नाम डिजिग्नेशन और डिपार्टमेंट तीनों यहाँ पर आंसर लेके आने हैं। तो यहाँ पर वी लुकअप किस प्रकार से यूज होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के लिए जो है डेटा से लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, जो कि डेटा वैलिडेशन से होती है आपको, ठीक है। वैसे मैंने काफी सारे समझा रखे हैं इसको, डेटा वैलिडेशन को कम्प्लीटली आप यदि नहीं देख पाए हो तो अभी तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट क्रिएट कर दी है, यहाँ से एम्प्लॉय आईडी मेरे पास में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है इसके सीट के नाम यहाँ पर हमने आपको दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट थ्री, ठीक है। और जो ये सीट है उसका हम लिख देते हैं लिस्ट फोर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों टेबल्स का नाम लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वीलुकअप यूज करेंगे, ठीक है, और इस वीलुकअप को कर दूंगा मैं लॉक। उसके बाद में हमारी हो जाएगी लिस्ट नंबर तीन, ठीक है, उसके बाद लिस्ट नंबर तीन हो जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा यहाँ पर आएगा, उसका नाम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे टू कर देंगे और जीरो प्रेस करके इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो हमारे पास में जो है एम्प्लॉय आईडी से उसका नाम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर नाम क्रिएट हो जाएगा, और यदि हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम चेंज होता रहेगा,
और यदि इसी सेम फॉर्मूले को मैं यहाँ पर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे रवि राम रहेगा। अब दोस्तों मैं समझाता हूँ, अलग से मेरा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बताता हूँ मैं। यदि वी लुकअप और ये हमारा रहेगा लुकअप वैल्यू, ठीक है, और कोमा और टेबल एरे हमारी ये वाली रहेगी, ठीक है, सॉरी जो लुकअप वैल्यू है वो नाम, ठीक है, एक बार में जो लुकअप वैल्यू है वो हमारे नाम रहेगा, उसके बाद में जो टेबल एरे है वो हमारी लिस्ट नंबर 4 हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर जो कि डिपार्टमेंट चाहिए हमें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 and 0, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ गया इसका HR डिपार्टमेंट। दोस्तों अब यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है यदि इसको मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है, और इस जो J2 है इसकी जगह मैं इसको अगर पुट कर दूँ तो भी मेरे को ये जो HR है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट इसको दे देगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में जो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, उसकी जगह मैं यहाँ पे J1 की जगह इसको भी प्रेस कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाला फंक्शन है, ठीक है, ये इसको यहाँ पे रहने देंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इस वी लुकअप है, इस वी लुकअप को हम यहाँ पर ऐसे कैसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और इसके आगे यहाँ पे जो वी लुकअप है इसके आगे एक और फॉर्मूला लगा देंगे वी लुकअप, ठीक है। अब यानी कि इसी वैल्यू को ढूंढते हुए यहाँ पे करेंगे कोमा और फिर आ जाएगा लिस्ट फोर के बाद में हम क्या करेंगे कोमा और हमें यहाँ पे चाहिए डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हमारा कॉलम नंबर 3 और कोमा करके 0, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक ही लुकअप से हमारे यहाँ पे फंक्शंस यूज हो जाएंगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे यूज करोगे तो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा यहाँ पर, ठीक है जैसे सोनू सोनू आचार आ गया। तो दोस्तों फाइनली में एक्चुअल में क्या है कि जो एक ये टेबल है, ये टेबल इससे लिंक है, कैसे, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से नेम आएगा और उस नेम से फिर हमें डिपार्टमेंट सर्च करके देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसको वीलुकअप से समझा है, यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर हमने जो नेम है और उसका जो डिपार्टमेंट है वो कैसे यूज किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 हमने समझा है। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दीजिए और हाँ जाइएगा नहीं वापस लौट के आइएगा। दोस्तों मेरा तो ब्रेक हो गया है, मैं तो वापस चलता हूँ वहां पर। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि यहाँ पर हमने सीरियल नंबर और उसका वर्क टाइप ले रखा है और उसका स्टेटस यहाँ पे हमने ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से करेंगे कि मेरे पास में ये डेटा है और यहाँ पर जो कम्प्लीट डेट है जो वर्क टाइप है उसका स्टेटस यहाँ पे आ जाए और जो इनकम्प्लीट है उसका स्टेटस यहाँ पे आ जाए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक यहाँ पर सीरियल नंबर का कॉलम अलग से बनाना होगा सिर्फ टेम्परेरी के लिए, सीरियल नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल सीरियल नंबर का एक टेम्परेरी कॉलम यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा फंक्शन यूज करना है हमें, वो करना है इफ का, यानी कि इफ, ठीक है, इफ फंक्शन यहाँ पे आ गया हमारे पास में। और इफ फंक्शन में हम क्या करेंगे, इफ फंक्शन में हम यहाँ पर करेंगे लॉजिकल टेस्ट, यानी कि जो इसके C2 इक्वल टू क्या आएगा, कंप्लीटेड आ जाए, कंप्लीटेड, ठीक है, स्मॉल लेटर या फिर जो भी होगा उसमें चलेगा इनवर्टेड कॉमा के अंदर। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये वाली आनी चाहिए, है ना, ठीक है, अदरवाइज ब्लैंक आ जाए, ठीक है, उसके बाद में कॉमा क्लोज है एंटर, ठीक है। इसको हम यहाँ पे तक ड्रैग कर देंगे तो आपको अंदाजा जाएगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आ गया है और इसी को मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर जो इनकम्प्लीट कर देंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर हम इनकम्प्लीट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में अभी आपको ब्लैंक शो कर रही है और यदि आप इसको ड्रैग करोगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट शो कर देगा, यानी कि जहां जहां कंप्लीट है उसके नंबर यहाँ शो कर दिए हैं और जो इनकम्प्लीट है उसके नंबर यहाँ पर शो कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि ये तो कुछ ऊपर नीचे हो रखा है, रेगुलरली नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा फंक्शन यूज करेंगे स्मॉल का, ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, एरे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है,
और इस एरे को सिलेक्ट करके इसको कर देंगे लॉक, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे कोमा करके हम लिखेंगे रो, ठीक है। और ये रो है वो तो हमें दो नंबर का फंक्शन यहां पे बताएगा और हमें चाहिए एक फंक्शन का, तो हम क्या यहां पे क्या करेंगे माइनस वन कर देंगे, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास में यहां पर आ ही जाएगा, ठीक है। अब इसको आप ड्रैग करोगे तो यहां पर आपको रिजल्ट इस प्रकार से शो करेगा। अब दोस्तों यहां पे आ रही है एरर, तो आप क्या करेंगे इफ एरर फंक्शंस का यहां पर हम यूज करेंगे, इफ एरर फंक्शंस का यूज करेंगे। अगर वैल्यू हमारी सही हो तो ये होना चाहिए, अदरवाइज ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये फंक्शंस का यहां पर यूज कर देंगे तो आपको यहां पर इस प्रकार से रिजल्ट शो हो जाएगा। और यही यहां पर मैं इसको कॉपी कर लूंगा और यहां पर जाके अगर इसको मैं पेस्ट करता हूं तो यहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। लेकिन यहां पे ध्यान रहे दोस्तों, जो यहां पर हमने रेंज दी है वो रेंज आपको यहां पर चेंज करनी होगी, ठीक है। ये रेंज आपको देनी होगी ये वाली रेंज, ठीक है। यहां से हमें ये वाली रेंज इसको देनी होगी और इसको करनी होगी लॉक, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर हमारे पास में ये रेंज यहां पर भी आ जाएगी और ये हमारे पास में यहां पर रेंज इसके पास में आ गई है। अब दोस्तों आपको सिंपल सी बात है, व्यू लुकअप यूज करना आपको आता ही है, तो यहाँ पे हम व्यू लुकअप यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल एरे, यहाँ पे इस टेबल का आप नाम दे सकते हो। फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर देते हैं लॉक, फिर कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमें चाहिए टू नंबर का, तो टू और फिर करके जीरो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। और यदि आप इसको यहाँ तक ड्रैग करोगे तो यहाँ तक आपके पास में ये आ जाएगा। और यदि फिर भी आपके पास में एरर आती है तो आपके पास में है ना फॉर्मूला इफ एरर का, क्यों घबराते हो दोस्तों। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इफ एरर फंक्शंस का यूज करेंगे और इसको करेंगे एरर से दूर, ठीक है। वो सेम चीज यहां पर हम स्टेटस में कॉपी करेंगे, यहां पर मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूं और इसको कॉपी करके स्टेटस में डाल लेते हैं और पेस्ट करके यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर है उसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, हमें चाहिए तीन नंबर का, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा तीन नंबर फंक्शंस, ठीक है। तो एक मिनट, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पर हमें चेंज कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास में स्टेटस भी आ जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर का और यहाँ पर हमने इसको कर दिया ड्रैग, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट का। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट के लिए। इनकम्प्लीट के लिए हम क्या करना होगा, यहाँ पर वही करेंगे हम वी लुकअप यूज, ठीक है। वी लुकअप वाली वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। और उसके बाद में कोमा, टेबल एरे, वापस को सिलेक्ट कर लाओ टेबल को, ठीक है, यहाँ पे, और इसको कर दो F4 से लॉक एंड कोमा, सेकंड नंबर हमें चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर और जीरो करके हम यहाँ पे आ जाएगा फील्ड वेरिफिकेशन, ठीक है। इसको भी ड्रैग करेंगे और एरर आएगी तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ एरर फंक्शन का, ठीक है। शायद दोस्तों अब तो रट गया होगा आपको इफ एरर भी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इफ एरर का भी यूज इसको कर लेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले को मैं यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है, और कॉपी करके और यहां पे हम कर देंगे पेस्ट। इसमें तो आप लोग माहिर है दोस्तों। और इसके बाद में हम यहां पर करेंगे कॉलम नंबर तीन और यहां पर आ जाएगा इनकम्प्लीट, ठीक है, और यहां पर आपके पास में हो जाएगा इनकम्प्लीट का डेटा। तो और इनको आप कर देना दोस्तों हाइड ताकि हमारे पास में ये रहे सुरक्षित इस प्रकार से, ठीक है। और इधर से भी कर देंगे अपन हाइड इसको और यहां पर हमारे फंक्शंस इस प्रकार से यूज होंगे, ठीक है। एक बार मैं इसको भी हटा देता हूं। अब आपको देखेंगे यहां पर दोस्तों जैसे अप्रूवल है, यहां पर मैं अगर कंप्लीट करता हूं, ठीक है, इसको मैं अगर मैं कंप्लीट लिख देता हूं तो अब आप देखोगे ऑटोमेटिक डेटा यहां से यहां पे आ गया। और यदि मैं यहां पर इसको जाके और इनकम्प्लीट कर देता हूं, आप देखोगे यहां से डेटा यहां पर ऑटोमेटिक चला गया इनकम्प्लीट का। तो इस प्रकार से यहां पर वी लुकअप ने कुछ हटके सीखा है दोस्तों। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 5 समझ में आया होगा। अब हमारे चलते हैं कुछ नया सीखने के लिए एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास में क्या है, कुछ सीरियल नंबर है और कुछ स्टूडेंट नंबर है और उनके एनरोलमेंट नंबर है, बट कुछ लोगों के यहाँ पे एनरोलमेंट गायब है।
और वो एनरोलमेंट नंबर मेरे पास में यहाँ पर इस लिस्ट में है। तो मुझे ऐसा क्या करना होगा कि यहाँ पर इनके ऑटोमेटिक जो है एनरोलमेंट नंबर वो यहाँ पर आ जाए। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये ब्लैंक वैल्यूज है वो यहाँ पे किस प्रकार से फिल करूँ। सपोज करो यहाँ पे हजारों रिकॉर्ड्स है आपके पास में, हजारों ब्लैंक्स है यहाँ पर, और मैं यहाँ पे आपके पास में डेटा है, तो वहां से ब्लैंक्स को कैसे फिल करा जाएगा। तो ये है आपके लिए, अगर वीडियो आपको आंसर है तो प्लीज आपको दीजिए हमारे आंसर कमेंट करके। यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकता हूँ 10 सेकंड्स, ठीक है दोस्तों। वीडियो देख के आंसर मत देना यहाँ पर, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पर आगे, आप आंसर देते ना यहाँ पर। इसको सबसे पहले हम यहाँ पर जो ब्लैंक है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास में ब्लैंक आ गया, अब बात क्या, अब तो सिर्फ वीलुकअप यूज करना है, और वीलुकअप आपको आता ही है। वीलुकअप यूज करेंगे तो यहाँ पर इक्वल वीलुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी, फिर आपकी टेबल एरे, जो भी आपकी टेबल एरे है वो आपकी टेबल एरे, और कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 हो जाएगा, और उसके बाद में कोमा और 0, ठीक है। तो आपके पास में यह आ जाएगा, और इसी को कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ तक, ठीक है, या फिर ड्रैग कर लो, और आपका जो फिल्टर है वो हटा दो यहाँ से, तो आपके पास में पूरी वैल्यू ऑटोमेटिक फिल आ जाएगी। तो वेरी सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर दिया आपने दिया होगा आई होप, और ये आपको एग्जाम्पल समझ में भी आया होगा, ठीक है। दिखने में तो बहुत हार्ड लग रहा था लेकिन बहुत इजी है दोस्तों, सिंपल वीलुकअप यूज किया और हमने इसका आंसर फाउंड कर लिया है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था, और आज का हम जो लास्ट एग्जाम्पल नंबर है वो है 7, ठीक है। और ये हमारा 7 नंबर का जो है एग्जाम्पल नंबर है, यहाँ पर हमारे पास में सीरियल नंबर है, उनकी कुछ रैंक्स है, और यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉइज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फर्स्ट रैंक पे है उसका नाम क्या है, और जो लास्ट रैंक पे है उसका नाम यहाँ पर क्या है, यानी कि जो फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक पे है उनके यहाँ पे एम्प्लॉइज के नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए कुछ नहीं सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर हम यूज करेंगे वीलुकअप, ठीक है, और 10 वीलुकअप यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें जो रैंक है वो लेनी है फर्स्ट रैंक, यानी कि जो रैंक की वैल्यू है वो है लोवेस्ट, जो लोवेस्ट वैल्यू है यानी फर्स्ट रैंक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीन का फंक्शन यूज करेंगे, यानी कि मिनिमम वैल्यू यहाँ से हमें लेनी है, ठीक है, ये मिनिमम फंक्शन हो जाएगा हमारा। इसको हम कर देंगे लॉग ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में हमारे पास आएगा टेबल एरे, इस टेबल से हमें डेटा लेना है, ठीक है, इसको हम कर देंगे लॉग, और उसके बाद में हम यहाँ पे कॉमा और कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और ये 0, तो हमारे पास में आ जाएगा रोनील वर्मा, ठीक है। तो जिससे यहाँ पे जो रैंक फर्स्ट है वो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगी, क्योंकि मिनिमम हमें यहाँ से वैल्यू लेनी है इसलिए। और एक बार यहाँ पे हम समझ लेते हैं वापस वीलुकअप, अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमें लेनी है मैक्स, ठीक है, और मैक्स इसमें से लेनी है हमें यहाँ पर, और इसकी जगह हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर टेबल, टेबल हमें वापस ये लेनी है, और ब्रेक इसको करना है लॉग, ठीक है, उसके बाद में कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और एग्जिट मैच, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा सोनू स्वामी जो मैक्सिमम है। यदि मैं इसको करता हूँ 8 पे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जो आ जाएगा, और यदि आप इसको करते हो 15 तो आप यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एग्जाम्पल नंबर 7 है वो हमने यहाँ पे सीखा कि जो फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक किस प्रकार से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे जो हाईएस्ट है और जो लोएस्ट कॉस्ट वगैरह होती है वो यहाँ पे हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर जो वीलुकअप है उसके 7 एग्जाम्पल्स देखे हैं दोस्तों। वैसे वीलुकअप है जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उसके बहुत सारी प्रैक्टिस है, अलग अलग डिफरेंट जगह पे काम आता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे आपको कुछ जो एग्जाम्पल्स है यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, जो एक वीलुकअप को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये आप इंटरव्यू हो या फिर आपका जो ऑफिस वर्क हो, एमएस रिपोर्ट वगैरह, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो इस प्रकार से। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, ताकि वो भी वीलुकअप को सीख सके अच्छी तरह और अपने ऑफिस में यूज कर सके। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो में आपको मेरे कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आप लोगों को सभी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आप हमारे चैनल पे अभी तक आए हो अभी और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो
इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।